गणेश विसर्जन के लिए शहर पुलिस ने 4000 कर्मचारियों व अधिकारियों की तैनाती की है। साथ ही होमगार्ड के 1000 जवान, दामिनी पतक और SRPF की एक कंपनी को भी तैयार रखा गया है। इस दौरान 5 मोबाइल सर्विलेंस वाहन मुख्य तालाबों के पास तैनात रहेंगे। हर वाहन में 15 CCTV कैमरे लगाए गए हैं ताकि विसर्जन की निगरानी की जा सके। ऐसी जानकारी पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने दी। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि शहर में 450 सार्वजनिक गणेश मंडलों ने श्री की स्थापना की है। पहले दिन रविवार 19 सितंबर को करीब 250 मंडलों द्वारा बप्पा की मूर्ति को विसर्जित किए जाने का अनुमान है। इसके अलावा शहर भर में 25,000 घरेलू गणेश मूर्ति का विसर्जन होगा। शहर में 65 संवेदनशील स्थान है और प्रत्येक जगह तगड़ा पुलिस बंदोबस्त रहेगा। फिक्स पॉइंट CCTV कैमरा की व्यवस्था भी की गई है। हो, उद्याचे विसर्जनासाठी पुलिस दल पूर्णपणे सुसज्ज आहे आणि आमचे जितके विसर्जन स्थल आहे, जे सार्वजनिक तलाव आहे, तेथे बाजूला कृत्रिम तलाव पण तयार करण्यात आलेली आणि इतर ठिकाणी पण अंदाजे 250 सुमारास कृत्रिम तलाव आहे। सर्व अशा तलावाला बंदोबस्त लावण्यात आलेली आहे। पोलिसांचे बंदोबस्त आहे, स्विमर्सला पण ठेवण्यात आलेली आहे आणि खरा लोकांना विसर्जन मिरवणूक यावर्षी कोविडचे गाईडलाईन्स अनुषंगाने निघणार नाही, परंतु जे विसर्जनसाठी लोक कृत्रिम तलावला येणार त्याच्यासाठी पूर्णपणे यंत्रणा तयार आहे। इतर सर्व ठिकाणी संवेदनशील ठिकाणी फिक्स्ड पॉईंट्स आणि पेट्रोलिंग मोबाईल सतर्क करण्यात आलेली आहे आणि मोठ्या प्रमाणात बंदोबस्त लावण्यात आलेली आहे। आम्हाला पूर्ण गणपती मंडलांसोबत पण चर्चा विस्तृत रीतीने झालेली आहे आणि आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की प्रत्येक वर्षीप्रमाणे यावर्षी पण सर्व हे विसर्जन शांततेत पार पाडतील। मोबाईल सर्व्हिलन्स व्हेकिल्स 5 ठिकाणी लावण्यात आलेली आहे। त्याचे CCTVs, ड्रोन कॅमेराज ही सर्व जे संवेदनशील ठिकाणी अशा लावण्यात आलेली आहे। शहरात अंदाजन 60-70 असे संवेदनशील ठिकाणी आहे जिथे बंदोबस्त विसर्जन स्थलचे व्यतिरिक्त लावण्यात आलेली आहे। पुलिस आयुक्त ने अपील की है कि विसर्जन के लिए जुलूस बैंड पथक पर रोक है, ऐसे में कोई भी नियम का उल्लंघन ना करे। उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बड़े मंडलों को केवल 5 लोगों के साथ ही विसर्जन के दौरान प्रतिमा के साथ मौजूद रहने की अनुमति दी गई है, जुलूस को अनुमति नहीं दी गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ दिशा हटवा, BCN न्यूज़ नागपुर।